किस तरह से तमाम प्रोटेस्ट करने वालों को पुलिस ने खदेड़ा है और ये प्रोटेस्ट करने वाले किस तरह से भाग रहे हैं अपनी जान को बचाकर। ये दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस द्वारा जो प्रोटेस्ट आज रखा गया उसकी तस्वीरें आपको बीके न्यूज चैनल के माध्यम से देखने को मिल रही हैं। किस तरह से पुलिस ने तमाम जो है प्रोटेस्ट करने वालों को भगाया है, डंडे मारे हैं और ये भागे हैं डर की वजह से और ये तमाम अभी भी जारी है। तो जांच करानी है। अच्छा, 3 रुपए दूध में बढ़ा के पेट्रोल बढ़ा के आप वसूल लेने के बाद हमें जांच करानी है। अच्छा, अबे जांच करो महाराज जी, रुपए बढ़ाने पे जांच करवा रहे हो, हटाने की जांच करवा रहे हो, कौन सी जांच करवाना चाहते हो? क्या निकलेगा? कुछ नहीं हुआ, बात कुछ नहीं। कांग्रेस को मुद्दा मिला क्यों? कोई मुद्दा नहीं, इसने मुद्दा उठा रहा है, कोई मुद्दा नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं आपको इस सरकार को बताना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ऐसे क्यों नहीं। अच्छा, तो सरकार बोल तो रही है ना कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होती तो अडानी पीएफओ को एफपीओ का पैसा वापस क्यों देते? क्या हो रहा है भाई? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार इस पे मुद्दे पे बात कर रही है और सरकार से हम सवाल करते रहेंगे। सरकार सवाल करना हमारा अधिकार है, हम सवाल ही तो कर रहे हैं, तो शांति से करिए ना, हंगामा क्यों कर रहे हैं? हंगामा कर, देखिए जो हंगामा कर रहे हैं वो हंगामा करें। अच्छा, हंगामा कर नहीं रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। हाँ। पुलिस अपना काम करेगी। हाँ। हम अपने सवाल करेंगे। तो प्रधानमंत्री का पुतला जलाना होगा, आ जाएगा क्या? हाँ? प्रधानमंत्री जांच तो कराएं। अडानी के बारे में 2 हफ्ते से बोले देश ही गरीबों का पैसा है भाई। हाँ। कोई आम आदमी के पास देश गरीबों का पैसा है? हाँ। LIC का जीवन के बाद जीवन के साथ। हाँ। हर चीज का वादा था उसमें। अडानी के शेयर के बढ़ने के बाद हमें एक बात नहीं समझ में आ रही है कि सरकार अडानी को बचा क्यों रही है। बजट में भी आप लगातार दाम बढ़ा दे रहे हैं, 7 लाख कमाने वाला टैक्स फ्री हो गया, या बताइए क्या महत्व है? आप देखिए ना, सीधी बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिपोर्ट ठीक नहीं है, वो पहले जांच तो कराओ। क्या कर रहे हो आप, एक घंटे भी नहीं टिक पाए, कहाँ लड़ रहे हो भाजपा से? देखिए जी, बता दे, अंग्रेजों से भी हमने लड़ा है, तानाशाहों से भी हमने लड़ा है और कोई बात नहीं है, हमारा विरोध दर्ज होता रहेगा। 4 आदमी लेकर आके 2 मिनट में चले गए। देखिए एक चीज है, 4 मिनट 2 मिनट की बात नहीं होती, मोड होता है विरोध करने का। समझ रहे हैं ना, आप लोग विरोध करने को नहीं देख रहे हैं। कम से कम इस तानाशाही सरकार में कोई बोल तो रहा है, यहाँ तो बोलने का अधिकार भी नहीं। बोल इसीलिए रहे ना, चुनाव आ रहे हैं 24 चुनाव, मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो आपके पास नहीं है, तभी तो रामदेव को हिंदू मुसलमान करना पड़ गया। अच्छा, नहीं करना पड़ गया, मुद्दा किसके पास नहीं है? हमारे पास तो महंगाई, भ्रष्टाचार, जितने भी मुद्दे इन्होंने गिनाए थे उन मुद्दे पे हम आए हैं। अच्छा, लेकिन आप हिंदू मुसलमान लेके आते हो, ये सरकार टिकने वाली नहीं है। अच्छा। 24 में हिसाब देने के टाइम पे ये सरकार, ने भी बोला था आपने टिकने वाली नहीं है, क्या हो उस टाइम पे पुलवामा जैसे हमले कराए गए थे। अच्छा। और उसका आज का लास्ट डेट कहाँ से है वो भी नहीं मालूम चल पाया गया। अच्छा। बहुत सी जांचें कराई जानी है। आपको बता दें, अडानी की सही तरह जांच हो जाए, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी नेता भी जेल जाएंगे। रमेश कुमार जैसे लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि वो अमेरिका गए, उन्होंने वहां से कुछ गेम। देखिए भाजपा की यही निशानी, जब पकड़े जाते हैं तो सब पे नाम लगाने लगते हैं, अपना जांच नहीं कराते, पहले खुद का जांच कराए, बाद में किसी और की जांच कराए। अच्छा, पहले खुद की जांच कराए। खुद की जांच होनी, बिल्कुल होनी चाहिए जांच, अडानी की होनी चाहिए, अंबानी की भी। देखिए अंबानी साहब ने भी जियो का बहुत पैसा सफेद किया है, काले पैसे को सफेद करके जियो से कंपनी लाई, उसके बाद से लूटा भी जनता से। इसलिए भी मैं आपको बता दूं कि अडानी अंबानी दोनों का पासपोर्ट जब्त करते हुए सब जनता को भरोसा दिलाते हुए LIC कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लोन दिया हमें कोई टेंशन नहीं है उसकी, LIC का खुद का बयान है। देखिए LIC का बयान जो भी हो, जनता का पैसा है, जनता को चिंता होती है। तो वो इस तरह सहारा, विजय माल्या, नीरव चौकसी, नीरव मोदी, ऐसे बहुत से लोग भाग चुके हैं, जनता डर रही है और इस डर का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। जनता डर रही है और कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही, कांग्रेस जनता के लिए खड़ी है। राजनीति कौन कर रहा है? भाजपा, जिस तरह से रामदेव को आगे कर देना और लोगों को आगे कर देना, ये भाजपा राजनीति कर रही है। यात्रा से कुछ नहीं मिला तो विस्पा आ गई कांग्रेस। क्या यात्रा से कुछ हासिल नहीं हुआ तो विस्पा? यात्रा से बहुत कुछ हासिल हुआ, तभी तो मंत्री झूठ बोलने लग गए थे। अच्छा, और यही बौखलाहट भाजपा की, देखो कितनी पुलिस लगा देती है, जितनी जनता उतनी पुलिस हो जाती है। कांग्रेस के कोई बड़े नेता होता है सिक्योरिटी के लिए ना? इसके लिए आज हमने पहला प्रोटेस्ट किया, ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, परसों नरसों फिर प्रोटेस्ट होगा। अब लगातार हम सड़कों पर हैं और सड़कों पर ही रहेंगे जब तक ये सरकार के सारे काले कारतूस कारनामे खोल नहीं देंगे। अडानी ने कितने लोगों को रोजगार दिया, कुछ अंदाजा है? विप्रो जैसी कंपनियां उनसे ज्यादा रोजगार देती है, उनको देशद्रोही बताती है। विप्रो कंपनी उनसे ज्यादा रोजगार देती है, वो देशद्रोही है, और अडानी चोरी कर रहे हैं, वो देशव्यापी। एक भी एम्प्लॉय नहीं निकाला उन्होंने अभी तक। आप दिखाइए, एक भी एम्प्लॉय नहीं निकाला, क्या मतलब, क्या है, क्या मतलब है ये?
अभी देखिएगा सांसद कह रहे हैं। आप बताइए विदेशों से भी हमारे लोगों की जॉब छुप रही है, अडानी के शेयर वहाँ से बाइकआउट कर दिए गए हैं। इस तरह से एक व्यापारी एक राज भिखारी कैसे बन सकता है? अभी देखिए अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ठीक है सब कुछ तो अडानी के हाथ में है। हम देश के आदमी मांग रहे थे, अडानी एयरलाइन नहीं चाहिए, इंडियन एयरलाइन चाहिए, हमें अडानी से कोई मतलब नहीं है। पट्टी बंधी हुई है तो अच्छे दिन कहाँ से दिखेंगे आपको? आपको अच्छे दिन दिख रहे हैं, अच्छे ही दिन है और क्या। ये बताइए एक मिनट सिलेंडर का रेट कितने का है? सिलेंडर का कितने का है? अरे विकास होगा क्या? तो विकास है, महंगाई नहीं है, ये सरकार हमसे लूट रही है। 3 रुपए दूध का और बढ़ गया, इस महंगाई में फिर लगातार हम पे वार किए जा रहे हैं, हमारे पैसे निकाल के माफ कर दिया जा रहा है, राइट ऑफ कर दिया जा रहा है। समझ रही है बिजनेस में राइट ऑफ क्या होता है? अरे अच्छे दिन है आपको, मोदी जी वाह के नारे लगा रहे हैं, राइट ऑफ क्या होता है? इसे अमृत काल कहा जाता है। आज हम भूखे मर रहे हैं और आप इसको अमृत काल बता रही है? हमारा पैसा डूब रहा है और कोई सवाल सरकार से नहीं कर सकता है। ये वही लोग हैं ना जो कोल घोटाला इस ये कमलवाल बैन गेम में नंगा नाचा करते थे रोडों पे। महंगाई की बात करते और लगातार दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतते जा रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना ईवीएम का चुनाव जीतना है। 20 लाख कांग्रेस जीते वहाँ कैसे जीते? मैंने इस बार मांग की थी, हिमाचल तो हम जीती रहे थे क्योंकि हमने पेंशन का वादा किया था ना, ये पेंशन की आपकी बार का बजट आपने देखा, बजट देखा बजट पहले सुनो, चाहती भक्ति खबर मत लिया करो, मुद्दे की मत सुनो। जब चुनाव हुआ एक मिनट को, जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ था उसमें आपने देखा? होमगार्ड पैरवी करेंगे गुजरात चुनाव की, हम गुजरात घूम के आए थे, जगह जयपे के भाजपा का विरोध था लेकिन वहाँ पे धमकी गुंडागर्दी करके चुनाव जीता गया। अब हार गए तो चुनाव से हरवा भी तो सकती थी वो जनता, धमकी दे रहे थे तो हटा दे। आज भी आपको मैं बता दूं, जनता जब बाहर निकल रही है तो ये घबराहट है और इस घबराहट का गुजरात में दावे कर रहे थे 125 के, गुजरात में दावे तो हमारे सही निकले हैं, हमारे दावे सही निकले लेकिन हमारे भाजपा ने नहीं करने दिया क्योंकि अडानी को फायदा बनाया था ना, क्योंकि अडानी को फायदा बनाया था। वहाँ पे गांव तोड़े गए, मकान तोड़े गए, सिर्फ अडानी को जलान देने के लिए बहुत नुकसान हो रहा है। वो तो कह रहा है आप जैसे लोग जिनको विदेशी पैसा मिलता है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। अच्छा इलेक्ट्रो बॉन्ड कहाँ से आता है? इलेक्ट्रो बॉन्ड कहाँ से आता है भाजपा का? बात बढ़नी कहाँ से आती है? भाजपा अपना कुछ जांच कराएगी नहीं और सबकी जांच करेगी, कराए मेरी जांच। अडानी के खिलाफ इतने लोग बेरोजगार होंगे, कौन नौकरी देगा उन्हें फिर? पहले अडानी तो वैसे ही डाउन है, हमारा ही पैसा है, कंपनी बना दिया, शेयर बना बढ़ा दिया, बूम कर दिया, वो धांधली है, इसे फ्रॉड कहा जाता है। विदेश में करते हो, जब राजस्थान में फैक्ट्रियां लगाते हैं, ऑफर करते हैं, तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, जब जहाँ आपकी सरकार है। देखिए जहाँ दोहरा चरित्र क्यों? दोहरा चरित्र नहीं है, साफ कहा गया था राहुल गांधी तरफ से, हम एक्शन लेंगे, हम किसी भी तरह से लीगल सरकारी संपत्तियों को विदेशी संपत्ति बनने नहीं देंगे और भाई संपत्ति बनने नहीं देंगे, सीधी बात है। 2024 की छवि खराब कर रहे हैं ना मोदी जी की, वो जिसकी छवि रहा है कि जीत जाएंगे, इसलिए जिसकी छवि खराब हो जवाब ना दे पा रहा हो, जो पेन हमारे तरह पेन कॉन्फ्रेंस नहीं करे आज तक, वो क्या बुला के एक आदमी को बुला के आप जो है गुल्लू मीना चोर लड़वा लेंगी, वो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने थोड़ी बोला था, दिखाई दे रहा विकास आपका हुआ है, आपका ऐड मिल रहा है, हम लोग विकास जनता का नहीं हुआ। मोदी जी ने थोड़ी कहा था कि अडानी के शेयर खरीदो, क्यों खरीदे? मांडवाली कराने हर देश में वही आते थे व्यापार के लिए।